जिला बिलासपुर के घुमारवी शहर में स्थित मिनर्वा स्कूल के दो छात्रों ने 12वीं कक्षा के परिणाम में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। स्कूल के छात्र दिग्विजय सिंह ठाकुर व कनिष्का शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है। स्कूल के छात्र दिग्विजय सिंह ठाकुर ने 490 अंक हासिल कर 8वें स्थान प्राप्त किया है और कनिष्का शर्मा ने 489 अंक हासिल कर 9वां स्थान प्राप्त किया है। छात्र दिग्विजय सिंह ठाकुर के पिता अध्यापक हैं और माता भी निजी स्कूल में अध्यापिका है और ये बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। छात्रा कनिष्का शर्मा के पिता अध्यापक हैं तथा माता गृहिणी हैं और ये डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल ने दोनों छात्रों को बधाई दी है तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि अध्यापकों की मेहनत लगन व समर्पण का ही परिणाम है जो हर साल बच्चे मेरिट में अपना स्थान हासिल कर रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन शर्मा है और मैंने हिमाचल बोर्ड में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने हर जब भी मुझे मुश्किल आई तो उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी कंट्री को सर्व कर सकूँ। दिग्विजय और मैं मिनर्वा स्टडी सर्कल से मैंने प्लस टू की, तो आज मेरा रिजल्ट आया और मैंने 8th पोजीशन हासिल की है मेरिट लिस्ट में। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने ये हासिल किया है ये इसके पीछे किसका सहयोग रहा सबसे ज़्यादा, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की वजह से मैंने ये मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश सभी टीचरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जिसकी वजह से मैं ये यहाँ तक पहुँच पाया। और मैं अपने ज़िंदगी में पहले आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इसरो में मैं सेलेक्ट होना चाहता हूँ। और आज जो 10+2 रिजल्ट क्लास का रिजल्ट निकला, इस रिजल्ट में साइंस स्ट्रीम में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे दो बच्चे जो हैं बोर्ड की टॉप 10 पोजीशन में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इनमें दिग्विजय सिंह ठाकुर ने 490 मार्क्स लेके 8th पोजीशन हासिल की है, जबकि कनिष्का शर्मा ने 489 मार्क्स लेके 9th पोजीशन हासिल की है। इन दोनों बच्चों को और इनके पेरेंट्स को और साथ में बाकी सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के लिए। इन बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत और इनको पढ़ाने वाले टीचर्स की जो मेहनत है वो आज ये रंग लेके आई है कि इन बच्चों ने अपनी टॉप 10 पोजीशन में जगह बनाई है। तो अब मैं कामना करता हूँ कि ये बच्चे आगे चल के भी अपने कैरियर को इसी तरह से संवारते रहेंगे और इस देश की सेवा में अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो सभी बच्चों को, जो भी बच्चे इस वक्त प्लस टू क्लास को पास आउट होके आगे अपने करियर के लिए जा रहे हैं, पहले उनको सभी को प्लस टू रिजल्ट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और आगे चल के वो अपने करियर को और भी अच्छे तरह से अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो सभी को इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई।